I thought I could swim. We break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you. Oh, cause I'm missing you. तो ये मेरा बेल का हेलमेट है, ये निकाल देता हूँ, ठीक से समझ में आ जाए। तो इसके ये मैंने अलीबाग मैंने पहना था, मतलब एक्चुअली यही मेरे पास अभी हेलमेट है प्राइमरी, जो मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए और मोस्टली टूरिंग के लिए यूज करता हूँ। एंड यू कैन सी कि मैंने ये वाला जो अमाउंट लगाया है इसके लिए। तो अभी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यू कैन सी कि इसका वाइजर है ना पूरी तरह बंद नहीं होता, ये पूरा इतना स्पेस खा लेता है, स्पेस खा लेता है मतलब ये इसके ऊपर आ जाता है, तो इसकी वजह से ना वाइजर इसके ऊपर सील नहीं होता है। एंड द अदर थिंग इज कि इसके वजह से मतलब कि थोड़ा सा डस्ट भी अंदर चला जाता है, मतलब राइड्स में काफ़ी बार ऐसा हुआ जब अहमदनगर गया था ना वो टाइम पर डस्ट भी जा रहा था काफ़ी और साउंड भी आ रहा था। तो अगर बारिश में भी आप इसको राइड करेंगे ना तो बारिश का पानी भी अंदर आ सकता है, वो तो गारंटेड है। तो सी दिस इज नॉट मीन्स इतना इससे मैं खुश नहीं हूँ, एक्चुअली ये है अच्छा, मतलब नो डाउट ये अच्छा है, बट इससे कुछ बेटर मैं चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट बॉट दिस। पैकेजिंग बहुत खराब है, ये है टोयू का चिन स्ट्रैप माउंट, मोस्ट प्रॉब्ली जब ये टूरिंग हेलमेट्स या फिर डुअल पर्पस हेलमेट रहते हैं या फिर एंड्यूरो वाले हेलमेट जिसके जो शेप रहते हैं ना सामने का जो योक रहता है वो ऐसा वी शेप में रहता है ना कि ऐसा राउंड शेप में, तो जिसके वजह से ना ये यूज़ करते हैं। एक बार ऐसा है कि ये राउंड इसमें जो ये राउंड शेप में भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं किया, तो आज अब इसको इस पर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं निकाल देता हूँ, तो इसको निकालना इतना ये मुश्किल नहीं है। ये यहाँ मैंने अपना दिख रहा है कि नहीं, ये अपना मैंने माइक लगाया है, यहाँ एक डक्ट टेप लगाया है, तो इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, इधर निकल जाता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा सा इजीएस्ट माउंटिंग सिस्टम है अब तक का मैंने देखा था, बाकी इसमें आप वो आर एल डेट लगाओगे वो एम सी लगाओगे तो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये मैं दूसरे हेलमेट, अगर मैं दूसरा फुल फेस हेलमेट ले लूँगा तो उसमें देखूँगा यूज़ करूँगा मैं, दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। सो इसको अभी हम लोग कैन यू, अभी आप देख सकते हो कितना इसमें डस्ट, अभी इसमें पोछा नहीं है पर ये देखो कितना डस्ट उसमें फॉर्म हो जाता है इधर के, ये मतलब ये तो दिस इज़ नॉट नॉट दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, ऐसा कुछ अजीब सा ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको हम लोग बाजू में रख देते हैं। एंड अभी ये इसका, अभी इसका पैकेजिंग कितना कुछ खास नहीं है, तो उसके अंदर क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली इसको मैं निकाल दिया था, इससे भी ख़राब पैकेजिंग था। तो ये उसका जे माउंट, इस पे ये लगेगा, ये उसके 3M के डबल टिप्स। अब ये 3M के डबल टेप निकाल के इसको ऐसा लगाना पड़ेगा, ऐसा है हाँ ऐसा बराबर ऐसा लगाना पड़ेगा, और इसको ऐसा लगाना पड़ेगा, फिर बाद में इसको ऐसा चिपकाने का, ये वाला सील लगा के ऐसा चिपका लेने का चिन माउंट में। उसके साथ अपने को ये एक उसका सिक्योरिटी पैच या जो भी है इसको बोलते हैं नायलॉन का, उसमें थ्रेड दिया है, इसको भी उन्होंने डबल टेप दिया है, मतलब ये अपने हेलमेट को लगा के, और ये नायलॉन थ्रेड से आपको अपने SD कैम या GoPro उसको आप
लॉक कर सकते हो या कि उसको पकड़ सकते हो, मतलब अगर इन केस ये गिर गया तो वो लटक के मतलब हाथ में रहे, ऐसा निकल ना जाए, तो वो एक चीज़ है। और ये लोग ने एक टाइप का कुछ एडाप्टर दिया है, और ये एडाप्टर मतलब कैसा है कि इसको टाइटनिंग करने के लिए, पर ये इसके अंदर घुसता थोड़ा सा मतलब ट्रिकी ना, इजीली नहीं घुसता है अब ऐसा उसको ये लूज़ करने के लिए। साथ के साथ दो ये दूसरा जो पॉइंट है, अगर ये हम लोग निकाल दूँ तो ये जो स्क्रू है, हेक्सागोनल स्क्रू है, ये स्क्रू को ये ऐसा हाँ ये ऐसा उसको लूज़ टाइटनिंग और लूज़ करने के लिए, जो कि ये अच्छा है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री बोल के अच्छा है। बट अगर किसी के पास है स्क्रू ड्राइवर भी रहेगा तो फिलिप्स का, तो वो फिलिप्स के वो टाइटनिंग या लूजनिंग कर सकता है। तो अभी इसको हम लोग इसमें लगाएंगे, तो सबसे पहले काफ़ी आराम से ये टिकर निकाल के ये पार्ट इसके इसमें लगेगा। काफ़ी ध्यान से लगाइएगा, ये लग गया। अगर आप चाहते हो ना, ये देखिए इसमें यहाँ देखो हिंजेस है, दो हिंजेस को थोड़ा सा इसमें यहाँ से काट सकते हैं, काट सकते हैं, मतलब इससे वो लूज हो जाएगा, एकदम हल्का सा, मतलब ये हिंजेस में आराम से ये मूव करे, ठीक है। इसको एक अच्छा साइड पे प्रेस करके दोनों साइड में, अब ये भी ऐसे निकालेंगे हम, इसको यहां से लगाते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा अनइवन लग गया पर ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक चिरा मार देते हैं, अच्छे से ये अब इसको टाइट कर देंगे। इसके बाद इसको भी ट्राई आउट करेंगे, तो सबसे पहले बाजू में रख देता हूँ, ये इसका वायर है, तो इसको पहले अच्छे से एकदम साफ कर लेते हैं। अभी मुझे यहाँ ये अड़ रहा है क्योंकि ये मैंने लगाया था, क्योंकि ये जो वायर इसके ऊपर लगता है ना, वो उसके ये लॉक हो सके, मतलब इसको ऐसा बंद कर सके, तो ये टैंगल ना हो, इसके लिए मैं ये लगा के रखा था, तो उसको मैंने शायद से मुझे निकालना पड़ेगा। इसको मैं डबल टिप से मैंने जॉइंट कर दिया, तो अभी इसको काफ़ी सिक्योरली एक जगह पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वापस यूज़ आ सकता है। इसको यहाँ से भी मैंने चुना, अभी इसको बराबर इसके बीचों बीच लगाना है, ऐसा आप लोगों ना सब बराबर ऐसे बीचों बीच लगाना है। थोड़ा सा ऊपर भी देख लेंगे ना, थोड़ा सा दिखेगा कि कैसा कैसा रखा है ये, तो ये पार्ट और ऐसा पार्ट, तो ऑलरेडी इसके ऊपर अभी गोप्रो लगा दिया मैंने, एंड यू कैन सी कि इसका अच्छा खासा फिटिंग हो चुका है और अलाइनमेंट भी हो चुका है। देखिए ये साइड में थोड़ा सा ये ऊपर गया है, और ये साइड में ये थोड़ा सा मतलब कि पैरेलल ही चिपक गया है, इतना इशू तो नहीं लग रहा है मुझे, बट दिस इज़ हाउ इट लुक, मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी इसमें फिलहाल तो अभी मीडिया पॉड मेरे पास है नहीं, मतलब मीडिया पॉड
कहाँ ढूंढना पड़ेगा मेरे को। अभी इसका आउटपुट कैसा है ना, ये मैं आपको राइड में बताऊंगा। एक छोटी सी राइड होने वाली है डॉक्टर पिलियन के साथ 2 दिन का, वो टाइम पे मैं इसको टेस्ट कर लूँगा। पर अभी इसके साथ जो सिक्योर जो पार्ट है उसको सिक्योर करने का, वो तो मैं लगाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रांग है अच्छा खासा। अभी बस लगा के उसको हार्डली 15-20 मिनट हो चुका है, सो आई डोंट थिंक तो कि कुछ इशू होगा। और यहाँ से मैं एयर वेंट्स भी मेरा अच्छा खासा मिल गया मुझे, तो एयर वेंट्स भी मतलब वेंटिलेशन वेंटिलेशन वो सब तो अच्छा है, क्योंकि पहले इसमें ना वो इशू था। इधर गया वो, अरे इधर गया, हाँ इधर गया, इसमें थोड़ा सा इशू था, वो पूरा कवर कर लेता था तो एयर वेंट और वो सब हवा हवा जाता नहीं था। अभी मैं हेलमेट है ना अच्छा खासा मैं बंद कर पा रहा हूँ, अच्छा खासा हेलमेट सील्ड है, वाइज़र सील्ड है, वाइज़र अभी अच्छा खासा सील्ड है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ इशू होना चाहिए। लगातार ये दूसरा वीडियो है अनबॉक्सिंग मतलब और ये हेलमेट के इंस्टॉलेशन का, पहला वाला क्या था, पहला वाला वो पैड इंस्टॉलेशन था। तो अब आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ और अपग्रेड करना चाहूँगा, कि काफ़ी सारा खर्चा हो चुका है, जो मेन चीज़ है जिसके लिए हम लोग सब कर रहे हैं क्योंकि राइडिंग के लिए, वो सब नई चीज़ें नहीं हो रही है। तो एक राइडिंग मतलब एक राइडिंग पार्ट है, टूर पार्ट किया है। तो जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे जैसे छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स रहते हैं, मेरा अभी हार्डली 1700 सब्सक्राइबर है, 3 लाख व्यूज़ आज हुआ है मेरा। इतना हम लोग मेहनत करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट दे, एक पॉजिटिव वीडियो आपको भेजे, ऐसा एक क्लिकबेट भी करना तो होता है, मतलब क्लिकबेट करते हैं, पर इतना भी मतलब वो जेन्युइन क्लिकबेट होता है मेरा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मतलब किसी को मैं एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दूँ या गलत इन्फॉर्मेशन दूँ या अपना गलत एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, क्योंकि कैमरा के बिहाइंड काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं जो कि हम नहीं बता सकते। तो आप एक साइन ऑफ अप्रिसिएशन आप कर सकते हो कि एक सब्सक्राइब या लाइक करके या वीडियो को शेयर करके, मतलब कैसा है कि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, अभी वीडियो एडिटिंग का मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, जो भी कुछ सीखा है वो यूट्यूब से ही सीखा है। तो आप एक छोटे से चीज़ कर सकते हैं बस, कि एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जितना हो सके ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसको अगर कोई भी सेम इंटरेस्ट लेता है मोटो ब्लॉगिंग में या ना भी लेता हो, अगर उसको अच्छा लगता है तो आप एक वीडियो शेयर करके आप एक व्यूज़ आप हमारा बढ़ा सकते हैं। तो उससे कैसा है कि चैनल ग्रो होगा, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलेगा, तो और अच्छे वीडियोज़ हम लोग दे सकते हैं, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा हमें। तो बस थोड़ा सा इतना आज दिल की बात थी, तो इसके लिए मैंने बोल दिया। बाकी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, बाकी तुम तो दे पाऊँगे हम भाई।